हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मंजुलाज रेसिपी। आज हम गुजरात का फेमस ढोकला बनाएंगे और ये बहुत आसानी से बनने वाली डिश है। ये झटपट बन जाती है और आप कभी भी कोई मेहमान आए तो फटाफट इस ढोकले को बनाकर उन्हें सर्व कर सकते हैं और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और मैं इसकी एक आसान सी रेसिपी आपको बताऊँगी, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैं ये फ्लावर शेप का डब्बा इस्तेमाल करूँगी। आप कोई भी घर में जो टिफ़िन होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसको अच्छी तरह से तेल लगा के ग्रीस कर लेंगे और उसको अलग रख लेंगे। अब हम एक छन्नी में एक कटोरी बेसन लेंगे और उसी में हम चौथाई कटोरी सूजी डाल लेंगे और इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से छान लेंगे। इसे छानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बेसन रखे रखे उसमें गुठलियाँ बन जाती है। छान कर बनाने से हमारा ढोकला बहुत अच्छे से बनकर तैयार होगा। देखिए, मैंने अच्छी तरह से इसे छान लिया है। आप इस रेसिपी को पूरा देखिएगा तभी आपका ढोकला बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा। तो हम एक बर्तन लेंगे, उसमें आधा कटोरी पानी ले लेंगे, एक चम्मच चीनी लेंगे, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे और आधा चम्मच हम इसमें साइट्रिक एसिड डालेंगे और 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और उसको घोल लेंगे। फिर हमने जो छान करके रखा हुआ है अपना बेसन और सूजी का पाउडर, उसको हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिलाते रहेंगे। अभी हम देखेंगे कि गाढ़ा हो गया है तो हम इसमें और पानी मिला लेंगे। पानी मिलाकर हम इस तरह का बैटर तैयार कर लेंगे। ये हमारा बैटर तैयार हो गया। हम इसे अच्छी तरह से 5 मिनट तक फेंट लेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच हल्दी मिला लेंगे कलर के लिए, जिससे ढोकले का कलर बहुत ही अच्छा आता है। तो अब हम इसको फेंट लेंगे और अब हम इसमें लास्ट में 1 चम्मच इनो डालेंगे। अगर आपके पास एक पैकेट है तो आप पूरा पैकेट डाल लीजिए, नहीं तो 1 चम्मच इनो डाल के 1 चम्मच पानी डाल लेंगे और अच्छे से हल्के हाथों से उसको पूरे बैटर में मिला देंगे। देखिए, इनो डालने से हमारा ढोकला अभी से फूलने लगा है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब हम जो पहले से ग्रीस किया हुआ हमने जो टिन रखा हुआ है उसमें इस बैटर को अच्छी तरह से डाल लेंगे। और उधर मैंने गैस में कढ़ाई रखी है और उसमें पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। तो हम ये सारा बैटर डाल के इसे थोड़ा सा टैप कर लेंगे। अब देखिए, मेरे पानी गर्म हो चुका है। इसमें मैं एक जाली डाल के ढोकले को रख कर मीडियम फ्लेम में 20 मिनट के लिए स्टीम दूंगी। तो हम इसे छोड़ देते हैं, 20 मिनट हो गए हैं। देखिए, अब इसे मैं चेक करूँगी, मैं टूथपिक डाल के चेक करी, मेरी टूथपिक बिल्कुल साफ़ आई है। तो हमारा ढोकला तैयार हो गया है। अब इस ढोकले को हम ठंडा होने देंगे। इसको ढक्कन लगा के ठंडा करेंगे क्योंकि अगर ढक्कन खुला होगा तो ये सूख जाएगा। जब तक ढोकला ठंडा होता है हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। तड़के के लिए 1 चम्मच तेल, उसमें 1 चम्मच राई, 1/2 चम्मच हींग और 8-10 करी पत्ता जो है उसको हम भून लेंगे। और मिर्चें अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, 2 या 3 लंबी लंबी काट के डाल लीजिए। अब हम इसमें 1 कटोरी पानी डाल देंगे और उसे उबलने देंगे। और इसी में हम 4 चम्मच चीनी भी डाल लेंगे। चीनी हम अपने हिसाब से डालेंगे टेस्ट के अनुसार, क्योंकि हमने ढोकले में भी 1 चम्मच चीनी डाली है। अब इसे हम उबलने देंगे चीनी घुलने तक। और अगर आपको ज़्यादा खट्टा चाहिए तो आप इसमें नींबू भी एक डाल सकते हैं। तो हमारा ढोकला ठंडा हो गया है। अब हम इसको चाकू की सहायता से साइडें अलग करके इसको हम निकाल लेंगे। ये बहुत आसानी से निकल जाता है क्योंकि हमने अपने टिन में भी ऑयल लगा के रखा था। ये देखिए, हमारा ढोकला तैयार है। अब हम इसे ठंडा होने पर ही कट कर लेंगे। आप इसे किसी भी तरीके से काट सकते हैं। मेरा ये फ्लावर शेप का है तो मैं इसको इसी टाइप से काटूंगी। ये देखिए कितना स्पॉन्जी ढोकला बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसमें जो हमने तड़का तैयार किया था उसको डालेंगे। इस तरह से हम पूरे तड़के को अच्छी तरह से इसमें डाल लेंगे। ये देखिए, तड़का डल गया। अब हम इसे गार्निश करने के लिए हरी धनिया पत्ती और कच्चे नारियल को कस लिया है मैंने, उसको डाल लेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा जितना दिखने में सुंदर है उतना खाने में भी टेस्टी बना हुआ है। आप एक बार ज़रूर इसे ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, उसको शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपका ढोकला कैसा बना। और ऐसी ही और रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल पर ज़रूर आइए और पूरी पूरी वीडियो देखा कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।